हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी देसी रेसिपीज़। मैं हूं नीशू और आज हम देसी रेसिपीज़ पर देख रहे हैं एक और मज़ेदार रेसिपी। तो आज हम कच्ची कैरी का जो खट्टा मीठा आम पन्ना होता है वो बनाने वाले हैं। तो यहां पर हम एक कैरी लेंगे और इसे अच्छे से वॉश करके इस तरीके से छील लेंगे। अब यहां पर हम इसे टुकड़ों में कट करने वाले हैं। ज़्यादा फाइन चॉपिंग की हमें नीड नहीं है, इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े टुकड़े इसके कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कैरी को अच्छे से चॉप कर लेंगे, इसका ये बीज निकाल देंगे और इसे भी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो गाइस, अगर आपको देसी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं एक और नया नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आऊँ। तो इस तरीके से हमारी जो कैरी है वो कट हो चुकी है। अब 2 कप पानी को हम बॉयल करेंगे और बॉयल होने के बाद इन टुकड़ों को इसमें ऐड करेंगे। अब इन्हें हम पकाने वाले हैं लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। तो अब चेक करेंगे कि ये पक चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे। तो जो कैरी के जो टुकड़े हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें मैश करेंगे। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पर मैं मैशर से कर रही हूँ। अब एक बोल में लगभग 3 कप पानी लेंगे। आप एकदम चिल्ड पानी ले सकते हैं या फिर अगर आप नॉर्मल वाटर लेते हैं तो उसमें आइस ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने पल्प रेडी किया है कैरी का उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो आप छान भी सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अब काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। क्रश किया हुआ आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर पुदीने और हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना रखा था तो 1 बड़ी चम्मच हम उसको ऐड कर देंगे। तो इससे पुदीने की फ्रेशनेस का काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ और बूंदी ऑप्शनल है क्योंकि ये मुझे पसंद है तो मैंने ऐड की है इसमें। अब 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर शुगर ऐड की है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो खट्टा मीठा आम पन्ना है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं और दिन भर जब भी आपका मन करे आप इसे पी सकते हैं या फिर खाने के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो गाइज़, अगर आपको देसी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट अब आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं।